बोलो क्यों बुलाया मुझे, और ये आखिरी बार का क्या मतलब है? मैं भी तुम्हें बार बार बुला के अजियत नहीं देना चाहता, इसलिए सोचा एक ही बार इस मामले को खत्म कर दूं, क्योंकि तकलीफ मुझे भी होती है, मैं भी इंसान हूं। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि इज्जत सिर्फ औरत की होती है? बेपर्दगी का एहसास सिर्फ औरत को ही होता है? कभी कभी जिस्म से हटी हुई चादर वो तकलीफ नहीं देती जो रूह की बेपर्दगी दे देती है। तुमने मेरी रूह को बेपर्दा किया, अब कैसे ढांपू मैं उससे? इतना फासला डाल दिया तुमने हमारे बीच में, क्यों? ये फासला तलब और हासिल के बीच का फासला है। जिस दिन पा लिया ना, मुझे नफरत करोगे मुझसे। अच्छा तुम ठीक ही कह रही, तुम कहती थी ना कि तुम कोई फैसला नहीं करती, इसलिए अब मैं एक फैसला कर रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं रीच। तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो सोचा तुम्हें एक कार्ड दिखा दूं, देखो कैसा बना। तुमने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, मुझे दिखाकर क्या करना है। मुबारक हो तुम्हें। कौन है वो? मैं जानती हूँ क्या उसे? जानती हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। इस कार्ड का डिजाइन, इसका रंग, इसकी तारीख सब बदल सकता है, लेकिन मेरे साथ लिखा हुआ नाम नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरा दिल ये नाम बदलने की इजाजत नहीं दे रहा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे ये झूठ बोल रहा हूं कि मैं तुमसे आज आखिरी बार मिलूं, तो ये सच है। इतने फासले, इतनी अजनबियत के साथ मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। अब तुमसे मिलूंगा ना तो तुम्हारा होके मिलूंगा, ताकि तुम्हारे इतने करीब हूं तो तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन सकूं। अगर मेरे फैसले से इतराज हो तो बता देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, क्योंकि कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, लेकिन हां फिर जिंदगी जिंदगी कहलाने के लायक नहीं रहेगी। अब जो होना है हो जाए रीज, मैं तुम्हें ये तकलीफ अकेले नहीं उठाने दूंगा।